वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज से आपके साथ 2021 का जो थर्ड पेपर है उसकी चर्चा शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो जीडीपी पे है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक, जैसे कई बार आप लोग कहते हैं कि हर सेक्शन को स्पेशलाइज्ड टीचर से पढ़ना चाहिए, तो आप सोचिए कि आप एक ही अलग अलग टीचरों से पढ़ करके अकेले जाकर सारे उत्तर लिख के आते हो। जीएस में इकोनॉमी का आंसर भी आप खुद ही लिख के आते हो, पॉलिटी का भी, साइंस टेक का भी, यानी कि आप अलग अलग टीचरों से समझकर खुद उन चीज़ों को लिखते हो। तो कई बार ये कहते हैं कि भाई एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट टॉपिक कैसे पढ़ाए, तो जब आप अकेले सब कुछ समझ करके लिख के आ सकते हो तो एक टीचर जो वर्षों से पढ़ा रहा है तो सारे जीएस के टॉपिक आराम से पढ़ा सकता है इंटीग्रेटेड मैनर में, विदाउट गोइंग इन द इनडेप्थनेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड विदाउट हैविंग ए सब्जेक्टिव अप्रोच। इकोनॉमी का टीचर जब इकोनॉमी पढ़ाने लगता है तो जीएस की इकोनॉमी की जगह इकोनॉमिक ऑप्शन पढ़ाने ऑप्शनल पढ़ाने लगता है। इसी तरह हिस्ट्री का टीचर जब जीएस की हिस्ट्री पढ़ाता है तो पूरी तरह हिस्ट्री में डूब जाता है, जबकि उतनी जरूरत ही नहीं है। अब यही क्वेश्चन 15 मार्क्स का जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, इसके लिए कॉमन सेंस और जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक की, कोई इकोनॉमिक्स का बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए। जो न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमिक टॉपिक कवर होते हैं बस उतनी समझ चाहिए। अगर आप स्पेशलाइज्ड होने लग जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन लीड टू एक्सटिंक्शन, मतलब कि अत्यधिक जो स्पेशलाइजेशन है वो हमें क्या करता है, मतलब बाहर कर सकता है प्रतियोगिता से, कि एक ही टॉपिक में हम डूब गए। जीडीपी को ही पढ़ने लग गए तो पता नहीं जीडीपी कितनी इकोनॉमिक की बुक्स हैं, कितना डीप नॉलेज है। ना ना ना, उसमें मत जाइए। ये जर्नलिस्ट बनने आप जा रहे हैं, जर्नलिस्ट, क्विज जर्नलिस्ट, ए पर्सन हु नो मिनिमम अबाउट मैक्सिमम। क्विज जर्नलिस्ट, आईएएस क्या है, जर्नलिस्ट है, पीसीएस क्या है, जर्नलिस्ट है, क्विज जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट इज ए पर्सन हु नो मिनिमम अबाउट मैक्सिमम। टीचर का भी वही अप्रोच होना चाहिए जीएस में। ठीक, तो साधारण सी समझ से आपको जीडीपी बताना है। इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि 2015 से जो भारत सरकार ने नया मेथड शुरू किया है वो पुराने मेथड से किस तरह से भिन्न है, बस इतना ही पूछा है। 150 शब्द का सीमा है इसकी, ज्यादा है ही नहीं। ज्यादा लिखोगे तो अन्य क्वेश्चन छूट जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग अलग हो जाएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इज ऑल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप ब्यूरोक्रेसी के लायक नहीं समझे जाएंगे, ये आपका एटीट्यूड वहाँ पे काउंट होगा। तो इसलिए सबसे पहले समझा दीजिए जीडीपी क्या है, फिर ये समझाइए कि हम नया मेथड ला क्यों रहे हैं जब पहले से मेथड चला रहा है। बेस ईयर तो कई बार चेंज हो जाता है, लेकिन हम नया मेथड क्यों ला रहे हैं ये समझाइए, और नए मेथड में नया क्या है ये समझाइए। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटिंग मेथडोलॉजी ऑफ इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिफोर ईयर 2015 एंड आफ्टर 2015। ठीक है, तो इसमें आंसर उत्तर कैसे लिखे, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। टाइटल मैंने जो दिया ये है जीटीपी कैलकुलेशन ओल्ड वर्सेस न्यू, ये टाइटल है आंसर का। हाउ इंडिया मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत अपनी आर्थिक समृद्धि को कैसे नापता है। व्हाट इज यूएन नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, जिसे हम अब अपना रहे हैं यूएन नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट जिसे भारत अपना रहा है, जिसके कारण नई मेथडोलॉजी लानी पड़े। तो सरल शब्दों में जीडीपी क्या है, जो कुछ भी राष्ट्रों में उत्पादन होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, और इसको नापना पड़ता है कि हमारे देश में कुल उत्पादन कितना होता है। एक सामान्य सी समझ आपको होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में कृषि, द्वितीय में उद्योग और तृतीय में सेवा क्षेत्र आता है। बहुत साधारण सी आपको आर्थिक समझ होनी चाहिए, ये डीप इकोनॉमिक्स नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका कृषि क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र है, उद्योग और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र टेलीकॉम इन, ठीक है, टूरिज्म वगैरह ये टर्सरी सेक्टर है। तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो अर्थव्यवस्था का है उसमें जो उत्पादन होता है उसको नापने की प्रक्रिया, ठीक है, जीडीपी का अनुमापन कहलाती है।
तो मैं पढ़ देता हूँ, जीडीपी इज द टोटल आउटपुट ऑफ ए कंट्री, हाउएवर इट इज वेरी टफ एक्यूरेटली कैलकुलेट ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक देश में जो सेवाएं और वस्तुओं का उत्पादन कैलकुलेट करें, क्योंकि अब भारत जैसे देश में आप देखिए कि कृषि में उत्पादन कितना होता है, उत्तराखंड हिमाचल वगैरह में जो लोग कृषि करते हैं विशेषकर जो धान वगैरह उगाते हैं वो उनके पर्सनल कंजप्शन के लिए होता है, वो तो कभी हमारे डेटा में आता ही नहीं है। जो भारत की अधिकतर कृषि क्या है, छोटे छोटे आकार के हमारे खेत हैं, ठीक है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, और वो सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर कहलाती है। सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि अपने निर्वाह के लिए ही हम उसका उत्पादन करते हैं, और वो निर्वाह हम खेत से काट के लाते हैं, धान की मंडाई करते हैं, गेहूँ की छटाई करते हैं और अपना स्टोर कर देते हैं। वो न तो मंडियों में आता है न सरकार के रिकॉर्ड में आता है, तो इस कारण पूरा का पूरा उत्पादन सरकारी डाटा में नहीं आ पाता। इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग के कारण भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उत्पादन 100 का होता है लेकिन रजिस्टर में 10 का दिखाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जीडीपी का पूर्णतः सही से आकलन नहीं हो पाता है, एक तो निर्वाह कृषि के कारण और दूसरा ब्लैक मार्केटिंग के कारण और भ्रष्टाचार को, ठीक, बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसका क्या नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये इसके कारण भारत में जीडीपी के अनुमान बिल्कुल सटीक नहीं लग पाए। द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी बिकम एन अर्नस्टार्ट नाउ इंडिया दियर इज अ बिगर प्रॉब्लम ऑफ द लार्जली अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड कंसिडरेबल ब्लैक मार्केटिंग। सेवरल एस्टिमेशन टेक्निक्स आर इन प्ले, वन सच डिवाइस्ड बाय द यूएन नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स विच इंडिया इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। बहुत सारे अनुमान की पद्धतियाँ हैं, जीडीपी के आंकलन की पद्धतियाँ हैं, लेकिन भारत में जो अब अपनाई जा रही है वो यूएन अकाउंट्स, यूएन नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स है जिसे यूएन ने डिवाइस किया है और जिसे हम अपना रहे हैं। तो इस चीज़ का रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए कि यूएन नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स को भारत अपनाने जा रहा है। इसके लिए 2015 से सिस्टम चेंज हुआ है, यूएन नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स को हम अपनाने जा रहे हैं। 2015 अ न्यू सीरीज अनाउंस टू कैलकुलेट द जीडीपी बाय अपग्रेडिंग द मेथडोलॉजी विद न्यू डाटा सोर्स टू मीट यूएन स्टैंडर्ड, ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मानक है उनसे मिलने के लिए, उनको पूरा करने के लिए 2015 से हमने नया सिस्टम शुरू करा है। इन द लेटेस्ट सीरीज बेस ईयर चेंज फ्रॉम 2004-05 टू 2011-12, तो 2002-04-05 जो पहले हमारा आधार वर्ष था उसकी जगह 11-12 को हमने आधार वर्ष मान लिया है। एंड अ न्यू डेटा सीरीज यूज फॉर द ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर MCA 21, ठीक है, MCA 21 का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। जो भी कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड कंपनियाँ उनको 21 डिजिट का एक नंबर दिया जाता है, जैसे आपका आधार कार्ड में 10 डिजिट का नंबर, वैसे MCA 21 में कंपनियों को एक डिजिट का नंबर दिया गया है। उनका सारा डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, तो जो निजी कंपनियां हैं या मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के साथ जो भी कंपनियां, उनका कैलकुलेशन इसके द्वारा होगा, ठीक। अ न्यू डाटा बेस इज मोर कॉम्प्रहेंसिव, जैसे अभी अडानी जो है गेहूं सारा पंजाब में अडानी वायर हाउस वाले खरीद रहे हैं, तो वो भी रजिस्टर्ड है, तो हमारा एग्रीकल्चर का डाटा भी इस तरह से हमारे पास आ जा रहा है। न्यू डाटा बेस इज मोर कॉम्प्रहेंसिव कवरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी, पेरेडा एंड इरेडा। पहले तो क्या होता था, अभी आगे आ रहे हैं कि आपकी जो नई पद्धति है वो बहुत व्यापक है, इसमें विनियामकी संस्थाएं भी ली गई हैं, वित्तीय संस्थाएं भी ली गई हैं, जो क्षेत्रीय संस्था स्थानीय संस्थाएं जैसे मंडी समितियां, इनको भी इंक्लूड करा गया है कैलकुलेशन में, डाटा कलेक्शन में, क्योंकि डाटा के माध्यम से ही हम जीडीपी का प्रोडक्शन का प्रिडिक्शन कर पाते हैं, जीडीपी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो पहले केवल उत्पादन और सेवाओं को लिया जाता था, लेकिन अब बहुत सारी संस्थाओं से डाटा लेकर के हम अपनी जीडीपी की फिगर्स को तैयार कर रहे हैं। द ओल्ड मेथड मेजर एक्चुअल आउटपुट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर। ध्यान दीजिएगा कि पुराना वाला जो मेथड था 2015 से पहले, वो केवल उत्पादन एक्चुअल आउटपुट कितना है, वास्तविक उत्पाद कितना है, वास्तविक जैसे कृषि क्षेत्र का वास्तविक उत्पाद वही है जो मंडी में आया, जो घर में खा लिया गया वास्तविक उत्पाद नहीं है, तो वास्तविक उत्पाद को आंकलित करता था। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट कितना है, क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, और सर्विस सेक्टर में कितना रोजगार पैदा हुआ,
ठीक है कि नहीं, सर्विस सेक्टर में कितना रोजगार पैदा हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप थोड़ा सा देखिए, हम 2022 में अभी 8 मई को चार धाम यात्रा शुरू हुई है और 8 मई से अभी ये 20 मई तक वहाँ पे करीब 8 लाख लोगों ने यात्रा कर ली है, यानी कि इतने नए रोजगार वहाँ पे खुले होंगे उत्तराखंड के होटलों में। ठीक है, आपके मतलब जो लॉज हैं वहाँ पे, या जो और जो भी सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं वो उनके। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में कितने रोजगार खुले उससे भी हम जीडीपी का ग्रोथ का आकलन कर पाते हैं। ठीक है, कंसीडरेबल। वाइल MC21 पहले वाला तो केवल ये देखता था कि वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आउटपुट कितना है, सीमेंट का उत्पादन कितना हुआ, लोहे का उत्पादन कितना हुआ, कारों का उत्पादन कितना हुआ, ये देखता था, और सेवा क्षेत्र में कितने रोजगार खुले। तीन चीजें पुरानी वाली पद्धति में देखी जाती थी, वास्तविक उत्पादन, ठीक, क्रॉप प्रोडक्शन और रोजगार सेवा क्षेत्र में। जबकि अब जो नया मेथड आया 2015 में, उसमें देखा जाएगा MCA 21, डाटा बेस कंसिडर बैलेंस शीट, डाटा ऑफ इंडिविजुअल कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाएगी। ठीक है, कंपनी का इंडिविजुअल कंपनी का डाटा देखा जाएगा, गैदरिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर, उस पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या है, चाहे आईटी सेक्टर है, चाहे वो आपका टूरिज्म सेक्टर है, उस सेक्टर की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, या फार्मा सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है, उससे एडजस्ट करके डाटा निकाला जाएगा। द मैथड इज स्टैटिकली मोर रोबस्ट सिंस इट एस्टिमेट्स मोर इंडिकेटर्स सच कंजप्शन, एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ इंटरप्राइजेस एंड द इनकॉर्पोरेट फैक्टर्स दैट आर मोर रिस्पॉन्सिव टू करंट चेंज। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो नई प्रणाली वो देखती है कि उत्पादन कितना है, उपभोग कितना है, ठीक, और बहुत सारे अन्य फैक्टर जो हमारे इन्फ्लेशन वगैरह से जुड़े होते हैं उनको देखता है। तो इसलिए नई प्रणाली को अपनाना बिल्कुल तर्क संगत है। निश्चित रूप से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे जीडीपी कुछ उछाल आ गया या कुछ आर्टिफिशियलनेस आ गया है, लेकिन इनिशियली कुछ समय ऐसा लगेगा, धीरे धीरे ये मेथड जब स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये सही से काम करेगा। तो इसलिए आपको अपने उत्तर में इस चीज़ को मेंशन जरूर करना है कि हमने 2015 में जो मेथड अपनाया है जीडीपी आकलन का, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विकसित किया गया नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स के अनुरूप है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए ज़रूरी है। थैंक यू।